हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से मानदंड मतलब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है जी। सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को कंटेंट को तैयार किया गया है। 2024 में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो PSC हो गया, प्री हो गया, प्री के साथ साथ आपके मेंस के लिए काम आएगा। व्यापम में तैयारी कर रहे होंगे, पटवारी हो गया, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, और CG पुलिस हो गया, टीचर भर्ती हो गया, ठीक है जी, प्रयोगशाला हो गया। इन सभी एग्जाम को जो है देखते हुए क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया। सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बहुत मेहनत से इसको जो है तैयार किया गया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, खाली स्थान जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है, तो आपका URL, WW, वेबसाइट या ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, ईमेल जो है, ठीक है, ईमेल जो है इंटरनेट उपयोगकर्ता को जो है दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में जो है मदद करते। ईमेल से आप कहीं भी जो है, चाहे वर्ड में कहीं भी हो, आप जो है ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, पंच कार्ड का, टच पैड का, माउस का या प्लाटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर से जानकारी कागज़ पर जो है चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए जो है किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, प्लाटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका जो है उपयोग किया जाता है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, प्लाटर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का भौतिक भाग, भौतिक या फिजिकल जो भाग होता है कंप्यूटर का, फिजिकल या भौतिक भाग क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, CPU या प्रोसेसर, ठीक है। तो कंप्यूटर का भौतिक भाग ये आपका हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, वो आपका जो है भौतिक भाग है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB ये बराबर होता है, तो 1 KB कितने जो है बाइट के बराबर होता है जी, किलोबाइट जो 124 bytes, 124 bits, गीगाबाइट से इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 KB बराबर एक लगभग 1024 bytes के बराबर होता है, इसी तरह इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जनजातियों के क्वेश्चन हैं, जो बार बार जनजाति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में उरांव जनजाति, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है उरांव जनजाति, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन से ज़िले में जो है उरांव जनजाति निवास नहीं करती है, उसको बताया जा रहा है, मतलब पूछा गया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जो है क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन सही लगा के आइएगा। तो सरगुजा, कोरिया, जसपुर या कबीरधाम, ठीक है। तो उरांव जनजाति कहाँ पर जिन्हें निवास नहीं करती है उसको बताना है, तो कबीरधाम, ठीक है, जिसको हम अब कवर्धा के नाम से जानते हैं, तो कवर्धा में जो है निवास नहीं करती है, या कबीरधाम जिले में निवास नहीं करती है। तो उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, जसपुर, इन खास करके इन जिलों में जो है इन लोग निवास करते हैं, ठीक है जी। और इनके युवा गृह को जो है डी फॉर धुमकुरिया बोला जाता है, ठीक है, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। इनके प्रमुख देवता, इसको याद रखिए, इनके प्रमुख देवता इसको जो है क्या बोलते हैं, सरना देवी बोलते हैं, ठीक है, सरना देवी। अलग अलग जो जनजातियों के अलग अलग उनके जो है रीति रिवाज होते हैं, उनके जो है देवी देवता अलग, उनके एक महत्व होता है, ठीक है जी। जैसे हमारे जैसे हिंदू धर्म में देवी देवता का अलग महत्व है, ठीक है, तो उन जनजातियों का भी अलग महत्व होता है, ठीक है। इन लोगों में जो है नृत्य बहुत फेमस है, नृत्य कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सरहुल नृत्य सुने होंगे, सरहुल नृत्य, ठीक है, सरहुल नृत्य इसी जनजाति में किया जाता है, वही आपका उरांव जनजाति में, ठीक है जी। और एक और नृत्य है कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य, ये ठीक है, दोनों ये जो है इसी जनजाति में किया जाता है। इनको बोली की बात करूँ तो इन लोग कुरुक बोली का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक, कुरुक बोली। और इनके जो पर्व खट्टी, सरहुल और फाग, इनके जो है पर्व है, करिया इन लोग के जो है पारंपरिक पोशाक है, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ में देखेंगे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है, उरांव जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है जी, भारत सरकार के द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा या बैगा जनजाति, कुट मिलान करना है, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है भारत सरकार के द्वारा जो है घोषित जो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति उसको जो है बताना। तो आप सभी को पता होगा कि जो सात विशिष्ट जो है पिछड़ी जनजाति, जिसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा पांच जनजाति, कौन सी जनजाति जो है घोषित की गई है, ये आपका ए से अबूझमाड़िया हो गया, बी से बैगा जनजाति और के से कमार जनजाति, ठीक है, ऐसे याद रखना है, और बी से बिरहोर जनजाति और पी से पहाड़ी, पी से पहाड़ी कोरवा जनजाति, ठीक है, तो ये इसको याद रखना। तो वही बोला जा रहा है भारत सरकार के द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है। तो यहाँ पे जो है अभी कौन कौन से देखे हैं, तो एक तो कमार जनजाति हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पहाड़ी कोरवा है ना, ये ठीक है, कोरवा लिखे, ये पहाड़ी कोरवा है, ठीक है, और आपका जो है बैगा जनजाति, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन देख सकते हैं, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए डी के और बी पी के ऐसे याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। और ये तो होगा भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, ये आपका भुंजिया और आपका पंडो बी पी, ठीक है, लोगों को बी पी भी याद, बी पी की समस्या रहते हैं तो बी पी ऐसे याद रखना है, ठीक है, रिलेट करके खुद से, तो ये जो है भुंजिया और पंडो जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति, टोटल जो है सात विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखें। तो भारतीय संविधान के तहत जो हमारे जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की पांच जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है जी, पांच केंद्र सरकार, दो राज्य, तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, अबूझमाड़िया, ठीक है जी, बैगा, भारिया या उरांव जनजाति, ठीक है, तो ये आपके कौन से विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ की, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी अभी बताया मैंने आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति, गोंड, मुड़िया, उरांव या बैगा जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति है, ठीक है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये आपका जो है गोंड जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग, ठीक, बस्तर संभाग में निवास करती है, ठीक है जी, और इनके जो बोली होती है इसको गोंडी बोली, सुने होंगे, ठीक है, गोंडी बोली जो है इसी क्षेत्र में बोली जाती है, और गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा बोली जाती है। गोंड जनजाति हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे लगभग 56% हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। गोंड जो है स्वयं को कोयतौर बोलते हैं, जिसका मतलब पर्वतवासी होता है, ठीक है, घर के दीवारों पर नौ डेरा जो अलंकरण वगैरह करते हैं, ठीक है, और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लगभग 41 उपजाति इनकी पाई जाती है। मेघनाथ पर्व सुने होंगे, मेघनाथ पर्व ये जो है इसी जनजाति में मनाई जाती है, गोंड जनजाति में, ठीक है, राजगोंड इसमें सबसे श्रेष्ठ गोंड जनजाति है। इनकी 41 उपजाति जिसमें मुड़िया, मूरिया, माड़िया, डोरला, बुझमाड़िया, दंडामी माड़िया इनकी उपजाति हैं सभी, ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है भड़म नृत्य, ठीक है जी, भड़म नृत्य जो है किस जनजाति का सर्वाधिक जो है प्रिय नृत्य है, कोरवा, उरांव, भारिया या नगेसिया जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारिया जनजाति, ठीक है, तो भारिया जनजाति पहले निवास कहाँ करती है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा इन जिलों में निवास करती है, इनके निवास स्थान को ढाना बोलते हैं, ठीक है जी, और बोली जैसे बोली ये आपके इन लोग जो भाष्य जो है भरनोटी भरियाटी जैसे बोली इन लोग प्रयोग करते हैं। इनके जो है कुल देवता, इनके जो देवता होते हैं इसको बूढ़ा देव, ठीक है, बूढ़ा देव बोलते हैं, नागदेव ये इनके देवता है, ठीक है, और ये लोग मतलब जो है बागेश्वर देवता की भी पूजा करते हैं, और इस जनजाति मान्यता है कि देव जो बाघ से जो इन लोग रक्षा करते हैं ऐसा करके, और इस जनजाति में सांप और मोह के, ठीक है, इस जनजाति में क्या होता है, भारतीय जनजाति में किस जनजाति में सांप और मोर के मांस के जो मांस खाने में जो विशेषकर जो इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, ठीक है जी, और इसको आपको याद रखिए, ग्राम सीमा पे मोठवा बाबा का चबूतरा वगैरह इसी जनजाति में बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना जो है पाप समझती है, गोंड, मुड़िया, उरांव या बैगा जनजाति। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कौन से जनजाति में जो घोड़ा छूना जो है पाप समझती है, निषेध होता है, प्रतिबंध रहता है। तो यहाँ पे गोंड, मुड़िया, उरांव या बैगा थी जो है यहाँ पे बैगा, ये आपका कमार रहेगा, ठीक है जी,
कमार जनजाति, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन हो जाएगा कमार जनजाति, ठीक है। कमार जनजाति जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो है बिंद्रनवरगढ़ देवभोग तहसील में खास करके निवास करते हैं, और इसी जनजाति में घोड़ा छूना जो है पाप समझते ही निषेध माना जाता है, ठीक है, कमार जनजाति में, ठीक है। और रायपुर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है, तो ये जो है कमार जनजाति, इसको आपको याद रखना है। घोड़ा छूना निषेध होता है, ठीक है जी। और ये खास करके इनके पंचायत प्रधान को जो है कुरहा बोला जाता है, ठीक है जी। बांस से संबंधित शिल्प बनाने, टोकरी वगैरह झाड़ू वगैरह बनाने के लोग काम करते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ककसार नृत्य, ठीक है जी। तो ककसार नृत्य जो है आपका कौन से जनजाति से संबंधित है, मुड़िया जनजाति, उरांव जनजाति, बैगा जनजाति या भारिया? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ककसार नृत्य जो है मुड़िया जनजाति में जो है संबंधित है। ककसार जो नृत्य जो है मुड़िया जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। ये खास करके बस्तर कोंडा गांव ये क्षेत्र में जो है खास करके जो मुड़िया जनजाति निवास करते हैं, इनके युवागरी को घोटुल बोलते हैं, ठीक है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व होता है। इसके साथ ही जो ककसार नृत्य के साथ और कौन कौन से नृत्य करते हैं, एबालतोर नृत्य बहुत फेमस है, एबालतोर नृत्य हो गया, मांदरी नृत्य हो गया, ठीक है, हुल्की पाटा, जहाँ पे जो हुल्की पाटा यहाँ पे लिखता हूँ, कैसे याद रखना है, लास्ट में पाटा जैसे शब्द आएगा समझ जाना कि मुड़िया जनजाति से संबंधित, ठीक, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, ये सभी जो है इसी जनजाति में किया जाता है। हाल ही में ये जो है यहीं से क्वेश्चन आया था प्री में, और कई बार प्री 2016 में भी पेपर आया हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जनजाति जो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति बोली जाती है, ठीक है। तो गुण जो मुड़िया जनजाति के गुणों की एक उपजाति है, ठीक है जी। और इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, बुक का नाम कौन सा है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, किसके द्वारा लिखी गई है, वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उघाड़िया जनजाति, ठीक है, उघाड़िया विवाह जो है इसका जो प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है, बैगा, भारिया, भतरा या मुड़िया जनजाति? तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उघाड़िया विवाह ये जो है मतलब जो है उघाड़िया विवाह मतलब भगा के लेके जाता है लड़का शादी, उसको उघाड़िया मतलब भाग के शादी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सी जनजाति में, बैगा जनजाति में जो है किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल पाटा है, ठीक है। तो घोटुल पाटा नामक जो मृत्यु गीत है कौन से जनजाति से संबंधित है, गोंड, उराव, मुड़िया या कमार जनजाति? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मुड़िया जनजाति में होता है, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर कोंडा गांव इस जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। इनका युवा ग्रुप को जो है घोटुल बोलते हैं, ठीक है, इनका युवा ग्रुप को घोटुल बोलते हैं, जिसका विशेष सामाजिक महत्व होता है। इन लोग जो है कृषि जो है मुड़िया जनजाति स्थायी कृषि करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी जनजाति में जो है ये जो है आपका जो घोटुल पाटा जो है नामक एक मृत्यु गीत है, ठीक, किसी फैमिली में या अपने खुद के जो है घर में जो है किसी की डेथ होती थी, इस मृत्यु गीत को जो है गाया जाता है, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति में जो है होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है पारधी, बिरहोर, पंडो या गरिया? तो बहेलिया श्रेणी की जनजाति ये जो है पारधी जनजाति, ठीक है। पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा इस जनजाति में जो है मतलब ये जनजाति जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। और ये जनजाति अपना जो है जीवन यापन या जीविकोपार्जन के लिए जो है काले पक्षी के जो है आखेट करती है, शिकार करती है और उसी पे जो है जीवन यापन करते हैं, ठीक है। मतलब जो है इन लोग शिकार पे आधारित जीवन यापन करते हैं, कहने का मतलब यही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगला वो लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कोरबा जनजाति, ठीक है, कोरबा जनजाति जो है द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है साला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्म नृत्य, ककसार नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दमनच नृत्य, ठीक है जी। तो ये जो कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के मतलब शादी के समय विवाह के अवसर पर ये नृत्य को जो है किया जाता है दमनच नृत्य, ठीक है। तो दमनच नृत्य जो है ये आपके जो है कोरबा जनजाति, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, कोरबा जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। और ये खास करके विवाह के समय इसको जो है इस अवसर पर किया जाता है। और देखेंगे अलग अलग जो ये जो है छत्तीसगढ़ में जो देखेंगे अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके नृत्य होती है। ये जो है सबसे भयानक नृत्य भी इसको कहा जाए, भयोत्पादक नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है, दमनच नृत्य। तो इसको आपको याद रखना है।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में ए ऑप्शन है शैला नृत्य। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे शैला नृत्य या इसको जो है बायसन हान नृत्य बोलते हैं। ठीक है, ये आपके माड़िया जनजाति में देखने को मिलेगा। ये यात्रा पर्व पर्व के दौरान आषाढ़ के महीने में इसको किया जाता है। ठीक है, ये जो इसमें नृत्य जो है नर्तक गौर और बायसन हान पशु के सिंह को मतलब मुखौटा मतलब यह लगा के सिंह का धारण करके नृत्य को मुखौटा टाइप के लगा के नृत्य करते हैं। ठीक है, वेरियर एलविन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर्मनृत्य लगभग ये जो है सभी जनजाति में आपको देखने को मिला बैगा उराव। ठीक है, कर्मनृत्य ये सभी लगभग सर्वाधिक लोकप्रिय जो है नृत्य है। कर्मनृत्य बैगा उराव मुंडा कमार गोंड सभी जनजाति में देखने को मिलेगा। ये कृषि पर आधारित होता है ये नृत्य। ठीक है जी, और विजयदशमी के जो है वर्षा ऋतु में जो है ये खास करके सरगुजा क्षेत्रों में जो है भादो महीना में इसका जो है नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ककसार नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चार ऑप्शन है ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। तो ककसार नृत्य या इसको ककसार नृत्य बोलते हैं, ककसार भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये खास करके जो है अबुझमाड़िया। ठीक है, तो ये आपके अबुझमाड़िया जनजाति में जो है नृत्य को करते हैं। ठीक है, जिसमें गोत्रदेव की पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, ये सभी जो है जनजातियों से संबंधित है। तो चलिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू।